आपका SPN 9 न्यूज में मैं हूं आपके साथ श्रुति। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं मूवी पल पल दिल के पास को लेकर। जैसा कि आज ये मूवी रिलीज होने जा रही है, आज 20 सितंबर है, यानी ये मूवी आज रिलीज होने जा रही है, तो वहीं आज हम बात करने जा रहे हैं इस मूवी को टक्कर देने वाली मूवी के बारे में। आपको बता दें कि ये मूवी पल पल दिल के पास के टक्कर की मूवी जो है वो है द जोया फैक्टर आने वाली है आज ही सोनम कपूर की, जिसे डायरेक्ट किया है अभिषेक शर्मा ने। तो वहीं बात करें मूवी प्रस्थानम की, संजय दत्त की मूवी प्रस्थानम की, वो भी आज 20 सितंबर को रिलीज होने जा रही है, जिसे डायरेक्ट किया है देवा दत्ता ने। तो वहीं बात करें कि जो मूवी है पल पल दिल के पास, उसे डायरेक्ट किया है सनी देओल। करण देओल के पापा सनी देओल ने ही इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो वहीं दादाजी प्रोड्यूसर के तौर पर रहे हैं। तो वहीं इन्हें टक्कर देने वाली ये दो मूवी हैं द जोया फैक्टर और प्रस्थानम। बात करें प्रस्थानम मूवी की, तो जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है, ये ज़्यादातर एक्शन बेस्ड मूवी है। तो वहीं अगर बात करें द जोया फैक्टर की, तो ये भी एक तरह से रोमांटिक मूवी कही जा सकती है, एक तरह से लव स्टोरी है। तो देखा जाए तो इस मूवी के ट्रेलर से लगता है कि कहीं ना कहीं टक्कर देने वाली जो मूवी है द जोया फैक्टर, वो कहीं ना कहीं पल पल दिल के पास मूवी को टक्कर दे सकती है। जैसे कि आज जो पल पल दिल के पास मूवी रिलीज होने जा रही है, अब देखना ये होगा कि मूवी बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा पाएगी या नहीं। आपको बता दें कि इसमें जो लोकेशंस लिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जो लोकेशन है वो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के हैं। तो वहीं आज बात करते हैं कुछ सीन्स को लेकर। जैसा कि कुछ सीन्स ऐसे भी थे जहाँ पर करण देओल को एक्टिंग में परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। जैसे कि उन्हें कुछ फीट ऊंचाई से जंप करना था, वहाँ पर भी देखा जाए तो सनी देओल की जो धड़कनें थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, कि बेटे को इतनी ऊंचाई से कूदना जो था, उन्हें डर भी लग रहा था, इसलिए वो नर्वस भी थे। हालांकि इस मूवी के डायरेक्शन में सनी देओल ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इसमें हर उस चीज़ को पिक्चराइज किया गया है, इस मूवी में बताया गया है कि किस तरह से पहाड़ों की वादियाँ खूबसूरत हैं और जो शहर है वहाँ पर किस तरह का माहौल है। तो वहीं इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि माँ बाप का प्यार जो है वो बच्चों के प्रति कैसा है, और बच्चों का प्यार जो है वो माँ बाप के प्रति कैसा है। तो वहीं अगर हम सीन्स की बात कर रहे थे, तो वहीं एक सीन्स था जहाँ पर करण देओल से पूछा गया कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा था जब वो अपने पापा के सामने किसिंग सीन कर रहे थे। तो इस पर जो करण देओल है, उन्होंने जवाब दिया कि हालांकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था अब पापा के सामने ऐसा सीन करना, लेकिन इस मूवी के लिए वो सीन ज़रूरी था, इसलिए उन्हें करना पड़ा। हालांकि देखा जाए तो इस जितने भी मूवी के ट्रेलर में जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं, उन सीन्स में काफ़ी रोमांटिक सीन्स भी रहे हैं। तो वहीं जो ऊंचाई वाली बात हुई है, तो देखा जाए तो एक पिता के तौर पर सनी देओल का इस तरह से घबराना जायज़ है। वहीं आपको बता दें कि अब जो दादा धर्मेंद्र और पिता सनी देओल के बाद, अब करण देओल तीसरी पीढ़ी जो है वो इस मूवी से फिल्मी जगत में कदम रखने वाली है। यानी कि आपको बता दें करण देओल इस मूवी से डेब्यू करने जा रहे हैं, तो वहीं सहर बांबा भी इस मूवी से डेब्यू करने जा रही हैं। जहाँ देखा जाए तो करण देओल की इच्छा थी कि वो मूवी में एक्टिंग करे, और इसी इच्छा के लिए सनी देओल ने बातें की डायरेक्टर्स से जाके मिले, लेकिन कहीं पर भी बातें हो नहीं पाई, कहीं पर भी बात बन नहीं पाई। इसलिए सनी देओल ने खुद ये फैसला लिया कि वो इस मूवी को खुद डायरेक्ट करेंगे। और इस मूवी में देखा जाए तो सनी देओल ने एक तरह से बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है, सारी चीज़ों को पिक्चराइज किया है, और बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री बनाई है एक रोमांटिक मूवी की तरह। जैसा कि ये मूवी का नाम ही है पल पल दिल के पास, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट और रोमांटिक मूवी है। वहीं देखना ये होगा, आज है 20 सितंबर और इस दिन रिलीज़ होने वाली है ये मूवी। सनी देओल और करण देओल की जो केमिस्ट्री है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सनी देओल ने इसमें डायरेक्ट किया हुआ है। तो देखने को मिलेगा कि किस तरह से
पिता ने अपने बेटे को डायरेक्ट किया हुआ है, एक पिता की तरह उन्होंने डायरेक्ट किया या फिर एक डायरेक्टर की तरह उन्होंने इस रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा पाती है या नहीं। आगे तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।